शानो जी बीबी जी, इधर आओ जरा जी। अच्छा जी, हाँ जी बीबी जी। तुम कितनी नमक हराम हो, हिना के कहने पर उन भीख मंगों की खातिर मदारत करती रहती हो, तुम्हारे बाप चाचा लगते हैं वो। बीबी जी इंसान तो है ना, और वैसे भी आप उनको घर जो बुला लेती हैं, तो जैसे हिना बीबी कहती है खातर करो, तो फिर मैं किसकी मानू, तो किसकी ना मानू। तो घर वालों को क्या खिलाओगी, अपने बाप का कलेजा? आराम से जरा मुंह संभाल के बात करें आप, सारा दिन नौकरी करो उधर जलील हो और माँ बाप को गालियां सुनवाओ, ये नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगी। इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या देना है, सब मेरी मर्जी से होगा, समझ गई तुम? मार लिया ना थप्पड़, राजी गई ना, कलेजा ठंडा हो गया ना। कोई बात नहीं, मार लिया मुझे तो अपना आप जाहिर किया है, अपना जरफ बताया है। लोगों को जानवर समझती हो, गरीबों को कुछ नहीं समझती। बीबी जी एक बात कान खोल के सुन लो, ये वक्त जो है ना ये एक जैसा नहीं रहता, आज तुम्हारा है तो कल मेरा भी हो सकता। बस बस बस, एक कर लिया ना बर्दाश्त, और थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। हो गई, मरे हुए माँ बाप को गालियां सुनवाओ, सारा दिन तुम्हारी खिदमत करो, लानत भेजती हूँ जुत्ती छपानी है हुजी नौकरी नू, दफा दूर। जलील औरत निकलो यहाँ से, अभी निकलो यहाँ से। बस बस बस, जिन्नत किसका मुकद्दर है ये अल्लाह को पता है, अल्लाह के अजाब से डरो। वक्त एक साथ ही रहता बीबी जी, कोई पता नहीं कल को तुम किसी के घर बर्तन मांज रही हो और तुम्हारी मालकन रख रख के चपेड़े मार रही हो तुम्हारे मुंह के ऊपर। लानत भेजती हूँ मैं चूल्हे चपेहे की नौकरी। शानो चल जल्दी जा मेरे कमरे में, तू इस घर तू जाएंगी जरूर, मगर जब तक ए दोवे तेरे को माफी नहीं मांग लेनी है ना, मैं नहीं तेरे जान देना। माँ जी चुप, बच्ची ना होवे पे मेरे जो बड़े सर ना, वो अपने बिठा के अपने नाल ते खाना खवांदे उसने सर गरीबा नु, ताकि उन्हें आ ना लगे किसे उन्हें नजर बुरी ना लग जाए। फिर मेरे घर तेरी जरूरत कैसे हुई है मेरे नौकरानी थप्पड़ मारन दी। चलती शानो आ, दो फिटे मुंह तेरे करू उसका, लानत पाओ ना देते। अभी अब क्या होगा? तू क्यों खामोश खड़ोता है, कुछ अपनी बीवी को दूं, इसकी की जरूरत थी कि मेरी नौकरानी नु थप्पड़ मारे? मैं की पूछा मां जी, मेरी समझ से एक गल नहीं आउंदी कि ए शाजिया ते आयशा ए फैशन दी दौड़ च अन्नेवा क्यों दौड़ी जा रही हैं ने? इसलिए कि इन्हां नु खुदा दा खौफ कोई नहीं है। ओए अल्लाह बख्शे तेरे प्यो नु, तेरे दादे नु, तेरे परदादे नु, नौकरा नु अपने नाल बिठांदे थे बिस्तर ते। जाहिल दा क्या नहीं उसे कहेगी? की कही तू, मैंने गाला दे रही? नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। असद असद, अब इस घर में हमारा ये मकाम होगा कि हमें मासियों के सामने जलील किया जाएगा? नहीं जी, छोड़े बड़ी बेगम जी, छोड़े रहने दें, हमारी क्या औकात है गरीबों की? चुप, ना कोई इंसान की हैसियत होती है ना कोई औकात। माफी मांगो, माफी मांगो शानो करो, वरना मैं ओक करांगी जो तुसी जिंदगी पर याद रखोगी। आप ये क्या कर रही हैं माँ जी, ये झूठ भी तो बोल सकती है, आप हम पे यकीन करें। मैं सब कुछ ना अपनी अखां नाल वेख्या है, माफी मंगो दे करो। नहीं नहीं जी, रहन दे बड़ी बेगम, बस हो गई माफी, मैंने कर दी है, छोड़े आप। माफी मंगो शाजिया ते आयशा, ये देख लो। शानो बीबी, इनकी तरफ से इनकी रवैये की मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं साहब जी, खुदा का वास्ते आप मुझे गुनाहगार ना करें, बस ठीक है, कोई नहीं होगी। जब अल्लाह और रसूल की नजर में सब लोग बराबर हैं, तो फिर इन्हें क्या हक पहुंचता है तुम पर हाथ उठाने का?
प्लीज मुझे माफ कर दो और हमें छोड़कर नहीं जाना। नहीं जी मैं नहीं जाती, पर आप ये ना करें, अल्लाह का वास्ता ये ना करें आप। असद मुझे मुझे माफ कर दो।